नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल समृद्धि जी शाश्वती में। दोस्तों, नवरात्रि शुरू हो गए हैं। ज़्यादातर लोग इस समय में उपवास करते हैं और अपने सुविधानुसार तरह तरह के फलाहार भी करते हैं। उपवास के पारंपरिक व्यंजन खाते खाते हम सभी बोर हो चुके हैं, तो मैं लेकर आई हूँ एक नई फलाहारी रेसिपी, आलू का फलाहारी चूड़ा। इसके लिए पहले आलू को कद्दूकस किया जाता है, फिर उसे फिटकरी वाले पानी में उबालकर धूप में 2 से 3 दिन सुखाया जाता है। ज़्यादातर इसे गर्मी में ही बनाकर रख लिया जाता है। इसके लिए मैंने लिया है 1 सूप के बाउल जितना आलू का चूड़ा। चटनी की कटोरी के बराबर ली है मूंगफली, नायलॉन साबुदाना, 1 चम्मच लिए हैं मैंने किशमिश, 1 चम्मच ली है पिसी हुई शक्कर, 1/4 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, नमक स्वाद अनुसार और 8 से 10 लिए हैं मैंने काजू। इन सभी चीज़ों को तल कर हम इसका चूड़ा बना लेंगे। तो तलने के लिए मैंने लिया है थोड़ा सा घी। घी में जो मेवे हैं उसको हम तलेंगे, बाकी चीज़ों को हम तेल में तलेंगे। रेसिपी शुरू करते हैं। सबसे पहले कढ़ाई में हमें घी डालना है। इस घी में हमें काजू और किशमिश को हल्का गुलाबी होने तक भूनना है। इस समय हमेशा ध्यान रखिए कि गैस की फ्लेम कम होनी चाहिए। घी को निकालकर अब कढ़ाई में हम तेल डालेंगे। अब हम इसमें डालेंगे मूंगफली, इसे भी हमें सुनहरा होने तक तल लेना है। अब बारी आती है साबूदाने की। साबूदाना तलते समय गैस की फ्लेम को हाई रखेंगे। अब हम आलू का चूड़ा तल लेंगे। आलू का चूड़ा तलते समय गैस की फ्लेम को एकदम धीमा करके रखेंगे। ये चूड़ा बहुत पतला होता है, तो इसे हम बहुत ही सावधानी के साथ तलेंगे। सभी चीज़ें तल के तैयार हैं। अब हम इसमें आवश्यकता अनुसार पीसी शक्कर, नमक और लाल मिर्च मिला लेंगे और फिर इस चूड़े को बहुत अच्छी तरह से मिला लेंगे। चूड़ा मिलाने के पहले इसे झारे की सहायता से थोड़ा दबा दबा कर इसका चूरा कर लेंगे, जिससे हमें इसे मिक्स करने में आसानी होगी। हमारा फलाहारी चूड़ा बनकर बिल्कुल तैयार है। चलिए इसे सर्व करते हैं। बनाकर और खाकर मुझे कमेंट ज़रूर कीजिए कि आपको ये चूड़ा कैसा लगा।